तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं कि आपकी फ़ोन की बैटरी दिन भर नहीं चलती है, उसकी बैटरी लाइफ ज़रूरत से ज़्यादा कम है, और आप कहीं ट्रैवल करते हो और आप चार्जिंग नहीं सही से कर पाते हो? तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हो कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदनान जग हिंदी में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टिप दूंगा कि आपके जितने सब कुछ है, वाईफाई वगैरह है, डेटा है, ब्लूटूथ है, और आपका जितनी सब आपका GPS वगैरह है, सब ऑफ़ कर दीजिए। और जब आप जहाँ आपका यूज़ ना हो ज़्यादा, अगर आप कॉलिंग वगैरह ना आ रहा हो, तो आप एयरप्लेन मोड पर लगाओ। चार्जिंग करो तो एयरप्लेन मोड पर लगा के करो, ताकि जल्दी चार्जिंग हो आपकी, और जितना हो सके ब्राइटनेस कम रखो। और सेकेंड चीज़ है, वो एक एप्लीकेशन से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ा झंझट रहेगा आपका, आप कहाँ तक इतना बंद करोगे, सभी जानते हैं, लेकिन आप जो ट्रिक बताने वाला हूँ ये हर लोग नहीं जानते। तो यहाँ पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है हाइबरनेट। तो आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च कर लो। इसका नाम है हाइबरनेट ऐप है। तो ये वाली ऐप है, ये लीफ वाली ऐप है हमारी, और इसके 10,000 कुछ डाउनलोड है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करो, तो तभी आपको सही एप्लीकेशन वहाँ से मिलेगी, नहीं तो आप कोई फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन बेसिकली हमको अलाउ करती है, जैसे ही हम अपनी स्क्रीन बंद करेंगे, तो सारे ऐप का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है और जो ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, प्रोसेस होता रहता है, जो बैटरी खाती रहती है, वो रोक देती है। अब देखिए, मैं जियो टीवी को इनेबल कर दूँ, ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप कर रहे हैं तो व्हाट्सएप बैकग्राउंड में काम करे, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर आप एक्सट्रीम उस पर जा रहे हो, मतलब ट्रिप वगैरह पर जा रहे हो, आपको बैटरी लाइफ एकदम मेनटेन कर रहे हो, तो आप सब पे लगा दो। और आप यहाँ पर ये पोकेमोन गो का लगा दो और पेटीएम कर दो। और मैं आपको एक और टिप दूंगा कि अगर आपके पास फेसबुक है तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि आप उसकी जगह ब्राउज़र पे यूज़ करो, तो उससे आपकी काफ़ी बैटरी लाइफ भी मेंटेन होगी और आपका डेटा भी काफ़ी सही बढ़िया, मतलब आप सेव कर लोगे। तो मैं फेक GPS गो, मतलब जो सब किसी काम के नहीं है, उसको मैं ऑफ़ कर दे रहा, इसका मेरा कोई यूज़ नहीं है। मैं फेसबुक इसलिए नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि जो मेरा यूज़ करना हो तो मैं खुद ही ऐसे यूज़ करता हूँ। तो आप इसमें शुरुआत में आप इसमें कुछ ही ऐप्स में आप वो लगा सकते हो, जब आपकी एक लिमिट होती है, आपको फ्री वाले उस वर्जन में कुछ लिमिट होती है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये दिखा रहा, जब पूरा 50% हो जाएगा, जिसे ने सब पहले लगा दिया। तो इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा उससे हो नहीं रहा, एक मिनट आपको दिखा दूँ, एक मिनट ऑन करता हूँ मैं। अब मैं सारे एप्लीकेशन ना अब बैकग्राउंड में काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन में आपको मिलता है हाइब्रिडेशन लॉक मिलता है। तो यहाँ पर आप ना वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह आपको मतलब मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने पहले को बताया। तो इसमें आप ना जैसे ही स्क्रीन ऑफ करोगे, आपका वाईफाई ब्लूटूथ और सिंकिंग ऑफ हो जाएगी। तो मैं यहाँ एक एप्लीकेशन ऑफ कर दे रहा यहाँ पर, तभी मैं सिंकिंग यहाँ अलाउ कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, मैं सिंकिंग फिर कर सकता हूँ, सिंकिंग ऑफ कर सकता हूँ बैकग्राउंड में, क्योंकि इतनी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम नहीं करती, जितनी करती हैं उतना सेलेक्ट कर लो जितना आपको लगता है, जितनी बैटरी खा रही है आपकी। तो यहाँ सिंकिंग मैंने ऑन कर दी, आप देखिए 25% हो गया। तो फिर 50% आपको अलाउ करता है फ्री में, बाकी आपको 100% ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको इसका परचेज़ करना पड़ेगा, इसका प्रो वर्जन। तो मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन लगा देता हूँ, ये एप्लीकेशन बेकार है, ट्रू कॉलर थोड़ा काम करती है, क्योंकि जब कॉलिंग आती है। तो वैसे आपको अगर एक्सट्रीम पर आप जा रहे हो तो आप उनको भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये हमारा हो गया लगभग, और आप इसको आप इसे ऑन कर सकते हो। अब जैसे आप स्क्रीन बंद करोगे, अपनी स्क्रीन ऑफ करोगे, तो ये सारे एप्लीकेशन ना काम करना बैकग्राउंड में स्टॉप कर देंगी और डेटा कनेक्शन नहीं करेंगे, तो इससे काफ़ी बैटरी सेव होगी। और फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ना डेटा ऑफ हमेशा रखा करो, ताकि आपकी बैटरी लाइफ सेव हो। और बैकग्राउंड में वैसे इस एप्लीकेशन के जरिए जो अगर वो रैम वगैरह जो पे काम होता है, यानी आप जो प्रोसेस होता है, ऑफलाइन वर्क होता है, वो भी बंद हो जाएगा इस एप्लीकेशन के जरिए। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ट्राई करो आप भी और अपनी बैटरी लाइफ सेव करो। तो यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है, इसमें आपको 50% ऑप्टिमाइजेशन ही मिलता है, इसीलिए आप सारी ऐप्स बंद नहीं कर सकते। फिर भी 50% आप बैटरी फ्री बचा रहे हो, बाकी अगर 100% ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो। आप जानते मेरा कहने का मतलब क्या है प्रो वर्जन के लिए। तो बस इस साथ में वीडियो खत्म कर दूँगा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑसम और भी हम ऑसम कंटेंट फ्यूचर में डालते रहेंगे।